डेढ़ महीने की समर वेकेशन के बाद जब स्कूल खुला तो सारे बच्चे आए, उसके साथ गोलू भी आया। तो सर ने गोलू को बोला, वेलकम बैक टू स्कूल गोलू, तो तुम तुम्हारे जगह में जाकर बैठ जाओ। थोड़ी देर में जब सारे बच्चे आ गए तब टीचर ने लेसन चालू करा। आधा घंटा पढ़ाने के बाद टीचर ने रियलाइज करा कि कोई भी बच्चा अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है, पर वो सारे घबरे हुए हैं। तो टीचर ने पूछा, तुम सारे घबरे क्यों हुए हो? एक काम करते हैं, हम लोग आज पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ठीक है? तो सारे अपने बुक्स को बंद कर दो। ये सुनकर बच्चों को थोड़ी सी खुशी हुई। उसके बाद टीचर ने बोला कि मुझे पता है तुम सारे बच्चे घबरे हुए हो, तो आज हम लोग कोई भी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, हम लोग बातें करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं कि उसको किस चीज को लेकर डर लग रहा है या फिर उसको नर्वस फील हो रहा है। तो गोलू तुम सबसे पहले बोलो, तुम्हें किस चीज को लेकर डर लग रहा है या फिर नर्वस फील हो रहा है? तो गोलू ने जवाब में बोला, सर हम लोग इतने दिन बाद स्कूल में आए हैं, तो हमें थोड़ा सा डर सा लग रहा है, और हमें तो ये तो बात पता ही है कि इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, तो अचानक से ऐसे करके ऑफलाइन क्लास चालू हो गया, तो हमारे ऊपर इतना ज्यादा पढ़ाई के प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारे घर से घर के आजू बाजू सारे प्लेस से मुझे बस यही बातें सुनाई दे रहा है कि इतना जल्दी स्कूल खुल गया तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि अब क्या होगा। तो टीचर थोड़ा मुस्कुराया और सोच कर बोला कि तो चलो आज हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं। आज हम लोग एक स्टोरी सुनने वाले हैं, एक लेजेंड की स्टोरी जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो एक दिन की बात है जब स्वामी विवेकानंद एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो अचानक से उनके पीछे तीन बंदर पड़ गए। वो जैसे भागने लगे, उनको जैसे डर लगा वो भागने लगे, तो उनके पीछे वो तीन बंदर भी भागने लगे। थोड़ी देर भागा 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 स्वामी विवेकानंद भागा और उसके पीछे तीन बंदर भी भागा। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद एक एरिया पर रुका और थोड़ा सा सोचा कि अगर वो ऐसे ही भागते रहेंगे तो उनके पीछे ये बंदर भी भागते रहेंगे, तो उनको मतलब उनको हराना होगा। तो उन्होंने आसपास से एक स्टिक उठाया और वहां पर खड़ा हो गया कि वो उस बंदरों को भगाएंगे, और सारे बंदर वो स्टिक को देखकर भाग गए। तो इस स्टोरी से हम लोगों को यही मोरल मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा डर की आगे लड़ना चाहिए और डर को हराना चाहिए। तो बच्चों आज का क्लास के लिए इतना ही। तो तुम्हें स्टोरी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बच्चों आपको तो पता ही होगा स्कूल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। उन सभी सब्जेक्ट में से एक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। एक दिन गोलू गोलू के स्कूल में उनके टीचर्स उनसे पूछ रहे थे कि आप सबके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है। तो गोलू को उनके टीचर ने पूछा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? गोलू ने जवाब में बोला, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। टीचर ने सोचा कि मैथ्स सारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, मतलब कुछ गुने चुने बच्चों को पसंद होता है क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो गोलू को कैसे पसंद है मैथ्स? तो सर ने बहुत सारे सम्स भी दिए गोलू को और सारा सम्स गोलू ने यू चुटकियों में सॉल्व करके दिया। टीचर ने उसको पूछा कि तुम इतने जल्दी इतने सारे सम्स को कैसे सॉल्व करती है? तो गोलू ने जवाब में बोला, मेरे साथ हमेशा नंबर्स चलते हैं और मैं हमेशा नंबर्स के साथ खेलता हूँ, तो खेलते खेलते ही मेरा सारा सम्स कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे दिन बीतता गया, एक दिन दो दिन तीन दिन और ऐसे मंथ्स बीतते गए, और एक दिन
उसके टीचर ने उसको बोला कि तुम्हारा मैथ्स तो बहुत ज्यादा अच्छा है पर तुम बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हो, तो तुम्हें बाकी सब्जेक्ट में भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ मैथ्स में नहीं। तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट के अंदर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद से उसने सारा सब्जेक्ट में ध्यान देना शुरू करा, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट में ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि उसके मैथ्स में तो अच्छे खासे नंबर आ जाते थे पर बाकी सब्जेक्ट में उतना खास कुछ नंबर नहीं आता था।